Who was the first president of Constitution Assembly of Pakistan? पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले सदर कौन थे? द करेक्ट आंसर इज बी कायदे आजम. क्वेश्चन नंबर टू, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स पाकिस्तान गॉट इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? पाकिस्तान को कितने सालों बाद अपना पहला आइन मिला? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 9 years. क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट डॉक्यूमेंट वाज फर्स्टली ड्राफ्टेड टू गिव पेस टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस? दस्तूर साजी के अमल को तेज रफ्तार बनाने के लिए सबसे पहले किन दस्तावेज का मसौदा तैयार किया गया था? करेक्ट आंसर इज डी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर फोर, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया? करेक्ट आंसर इज बी 12 मार्च 1949. क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हेन मोहम्मद अली बोगरा प्रेजेंटेड बोगरा फार्मूला इन द असेंबली? मोहम्मद अली बोगरा ने असेंबली में बोगरा फार्मूला कब पेश किया? करेक्ट आंसर इज डी अक्टूबर 1953. क्वेश्चन नंबर सिक्स, हु वाज मोहम्मद अली बोगरा? मोहम्मद अली बोगरा कौन थे? करेक्ट आंसर इज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मोहम्मद अली बोगरा फार्मूला? मोहम्मद अली बोगरा फार्मूले का दूसरा नाम क्या था? करेक्ट आंसर इज डी कॉन्स्टिट्यूशनल फार्मूला. क्वेश्चन नंबर एट, व्हेन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज इनफोर्स्ड? पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ? करेक्ट आंसर इज बी 23 मार्च 1956. क्वेश्चन नंबर नाइन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग इन्फोर्समेंट ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन? जब पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? करेक्ट आंसर इज ए मोहम्मद अली बोगरा. क्वेश्चन नंबर टेन, व्हाट ऑफिशियल नेम वाज गिवन टू पाकिस्तान इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया? करेक्ट आंसर इज डी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट मिनिमम एज वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर प्रेसिडेंट इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में सदर की कम से कम उम्र की हद का तयन किया गया. करेक्ट आंसर इज ए 40 years. क्वेश्चन नंबर 12, इन रेस्पेक्ट ऑफ रिलीजन व्हाट टर्म वाज सेट फॉर प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? मजहब के हवाले से 1956 के आइन में सदर और वजीर आजम के लिए कौन सी मुद्दत तय की गई थी? करेक्ट आंसर इज डी ही मस्ट बी अ मुस्लिम. दिस कंडीशन एप्लीकेबल ओनली ऑन प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर मे बी नॉन मुस्लिम. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर्ड इन 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 के आइन में पाकिस्तान की सरकारी जुबान कौन सी थी? करेक्ट आंसर इज ए उर्दू. क्वेश्चन नंबर 14, हु एब्रोगेटेड 1956 कॉन्स्टिट्यूशन? 1956 का आइन किसने मंसूख किया? द करेक्ट आंसर इज सी सिकंदर मिर्जा. क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड एंड मार्शाला वाज प्रोक्लेम्ड? मार्शाला कब लगा और पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब मंसूख हुआ? द करेक्ट आंसर इज सी अक्टूबर 1958. क्वेश्चन नंबर 16, व्हेन अयूब खान इन्फोर्स्ड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान?
अयूब खान ने नया आइन कब नाफिज किया पाकिस्तान में? द करेक्ट आंसर इज डी, 8 जून 1962। क्वेश्चन नंबर 17, विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? 1962 के आइन के जरिए किस तरह का निजाम हुकूमत मुतारफ कराया गया था? द करेक्ट आंसर इज बी, प्रेसिडेंशियल। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 वाज एब्रोगेटेड? 1962 का आइन कब मंसूख किया गया? द करेक्ट आंसर इज ए, 25 मार्च 1969। क्वेश्चन नंबर 19, हु एब्रोगेटेड 1962 कॉन्स्टिट्यूशन एंड बिकेम CMLA? कौन 1962 के आइन को मंसूख करके CMLA बन गया? द करेक्ट आंसर इज डी, जनरल यहिया खान। क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो लॉन्च द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री? मिस्टर जुल्फकार अली भुट्टो ने मुल्क में नया आइन कब शुरू किया? द करेक्ट आंसर इज बी, 14 अगस्त 1973।